के बारे में बात करेंगे। तो प्रियाम्बल लिया गया है एक लैटिन वर्ड प्रियाम्बलिस से, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर, इंट्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि प्रियाम्बल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम उन सबको कवर करें। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रियाम्बल होता क्या है। तो अपने वर्ड ऑफ ओरिजिन की तरह प्रियाम्बल किसी भी एक्ट, किसी भी लेजिस्लेशन के लिए उसका एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, जो उस एक्ट के मेन पर्पस के बारे में, उसकी फिलॉसफी, उसके यूजेस, उसके आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस, उसके मेन प्रिंसिपल्स और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है। तो प्रियाम्बल ये सारी चीजें करता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि एक प्रियाम्बल एक तरीके का ब्लूप्रिंट या नक्शे जैसे होता है। तो अगर आप किसी भी एक्ट के प्रियाम्बल को देख लो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो एक्ट मेनली क्या बात करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रियाम्बल किसने बनाया, हु ड्राफ्टेड द प्रियाम्बल। तो जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, लोगों को क्या राइट्स मिलेंगे, क्या लिबर्टीज मिलेंगी, ये सारे आइडियाज और एक्सप्रेशंस उस ड्राफ्ट में कंटेन थे। इस ड्राफ्ट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो इन्होंने प्रेजेंट किया 13 दिसंबर 1946 को। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रियाम्बल अडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। अब जब से प्रियाम्बल बना है उसे सिर्फ एक ही बार मॉडिफाई, सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिससे प्रियाम्बल में 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। अब प्रियाम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। तो प्रियाम्बल में दिखने वाली पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो लाइन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को एस्टैब्लिश करती है, पावर को एस्टैब्लिश करती है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी एक्सटर्नल फोर्स ने, कोई आउटसाइड पावर ने आके नहीं बनाया, नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लोगों ने ही बनाया है। इंडिया के लोग ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। कैसे? लोगों के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के हमें दिया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद प्रियाम्बल में दिखने वाले पांच इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सेक्युलर, ये जो वर्ड्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को डिफाइन करते हैं। वहीं इसके बाद दिखने वाले चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करते हैं। और 26 नवंबर 1949 ये जो डेट दी गई है ये बताती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियाम्बल है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और गाइड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स, उसका नेचर और उसकी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करती है। अब हम प्रियाम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉवरेन, जिसका मतलब ये है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपनी इंटरनल मैटर्स खुद मैनेज कर सकती है। कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट, जिसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। अब जनरली सोशलिस्ट वर्ड को हम कम्युनिस्ट थ्योरी से रिलेट करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मींस ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का या तो होली या तो पार्शियली कंट्रोल होगा। पर प्रियाम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है, जिसका ऑब्जेक्टिव है एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना। मतलब पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजों को सोसाइटी से खत्म करना। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर, इसे भी इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। सेक्युलर का मतलब ये हुआ कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। बहुत सारे देशों में सेक्युलर वर्ड को एंटी रिलीजन या अपोज टू रिलीजन भी डिफाइन किया गया है, जैसे फ्रांस में जहां पे पब्लिकली आप रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या फिर यूएसएसआर जहां पर पहले इवन प्राइवेट लाइफ में आप रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। पर इंडिया में सेक्युलर वर्ड को पॉजिटिवली यूज किया गया है। इंडिया हैज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, जिसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का तो खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, पर इंडिविजुअल्स फ्रीली किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट कर सकते हैं और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता
आता है डेमोक्रेसी। तो डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ रूल ऑफ द पीपल। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की अथॉरिटी से बनेगी। द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय द विल ऑफ द पीपल। अब डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंडिया में वी हैव इनडायरेक्ट, जिसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और 18 इयर्स ऑफ एज के बाद एवरी सिटीजन गेट्स अ राइट टू वोट। अब इंडिया के रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ये दोनों ही कंट्री के इलेक्टेड हेड्स हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक, ये मोनार्की का ऑपोजिट हुआ। मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, ना कि नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी द्वारा सिलेक्टेड नहीं है। तो सुपर 30 मूवी में जो डायलॉग था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो है ये स्टेटमेंट, और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है रिपब्लिक। अब प्रीएम्बल से रिलेटेड और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। इन दोनों ही क्वेश्चंस को हम एक साथ बहुत ही आसानी से समझेंगे, पर इसके लिए एक और प्रोविजन का जानना जरूरी है, वो है आर्टिकल 368, जो बात करता है पार्लियामेंट की पावर की। तो आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। आर्टिकल 368 इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पहला केस है रे बेरोबेरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, पर प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, इसलिए आर्टिकल 368 के थ्रू प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। ये कहा गया था इस केस में, पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट से एक गलती हो गई। उन्होंने ये पॉइंट नोटिस नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की बाकी पार्ट्स की तरह प्रीएम्बल को भी सेम प्रोसीजर से अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया था। ये पॉइंट जो यहाँ मिस हुआ, ये ऑब्जर्व किया गया था केसरवंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स की तरह प्रीएम्बल को भी सेम प्रोसीजर से अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो आर्टिकल 368 में अपनी पावर्स का यूज करते हुए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के साथ साथ प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकती है। ये कहा गया था केसरवंदा भारती के केस में। तो इस केस में क्या कहा गया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया था, ये पॉइंट रियलाइज किया गया इस केस में, जिसमें ये कहा गया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। पर जैसे कि हमने इस पूरे वीडियो में ये देखा कि प्रीएम्बल बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स, बहुत सारे बेसिक फीचर्स की बात करता है, तो आर्टिकल 368 का यूज करते हुए पार्लियामेंट प्रीएम्बल को अमेंड तो कर सकती है, पर उसके बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी अमेंडेड। अब आप ये सोचेंगे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तो प्रीएम्बल में तीन वर्ड्स ऐड किए गए थे, वो कैसे हुआ? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जो तीन वर्ड्स ऐड किए गए थे, वो प्रीएम्बल के बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। उन तीन वर्ड्स ने प्रीएम्बल में और स्ट्रेंथ ऐड की है, उन्होंने बेसिक फीचर को नहीं छेड़ा। तो ये था आज का वीडियो प्रीएम्बल के ऊपर। अगर आपको प्रीएम्बल से रिलेटेड कोई भी